देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। हरियाणा सरकार गन्ना किसानों को देगी शुगर केन हार्वेस्टर मशीन, एक मशीन पर मिलेगी 60,000 रुपए की सब्सिडी। राजस्थान में विदेशी सब्जियों की खेती और मछली पालन कर लाखों कमा रहे हैं ये किसान दंपत्ति, सालाना होती है 30 लाख की कमाई। बेमौसम बरसात ने बढ़ाई मसाला फसलों की कीमतें, बर्बाद होने से आपूर्ति पर पड़ा असर। हरियाणा में गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। दरअसल आमतौर पर गन्ने की खेती में किसानों के सामने इसकी कटाई की समस्या आ खड़ी होती है, क्योंकि गन्ने की कटाई में समय और मेहनत दोनों ही ज्यादा लगती है। समय पर मजदूरों के लिए भी किसानों को काफी भटकना पड़ता है और ऐसे में कभी कभी वक्त पर लेबर नहीं मिलने की वजह से कटाई के काम में देरी हो जाती है। इससे किसानों को समय पर फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, जिसके चलते किसानों की समस्याओं को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक नई पहल की है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से अनुदान पर शुगर केन हार्वेस्टर उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। योजना के तहत किसानों को गन्ने की कटाई के लिए केन हार्वेस्टर पर 60,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इससे किसान एक दिन में करीब 30 एकड़ के खेतों में गन्ने की कटाई कर सकते हैं। खास बात यह है कि शुगर केन हार्वेस्टर मशीन उपलब्ध होने से किसानों की मेहनत और मजदूरी के साथ ही समय की भी बचत हो सकेगी। जाहिर है कि हरियाणा सरकार द्वारा बीते कुछ समय से वक्त वक्त पर किसानों के लिए नई नई योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है, ताकि राज्य में कृषि को बढ़ावा दिया जा सके और खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके। राजस्थान के रहने वाले एक कपल गंगाराम सेपट और सुमन सेपट दोनों ही पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मगर बावजूद इसके दोनों ही आज के वक्त में विदेशी सब्जियों की खेती कर रहे हैं। जिसमें खास बात तो ये है कि राजस्थान जैसी जगह पर हर तरह की सब्जी और फलों को उगाकर उन्होंने कृषि विशेषज्ञों तक को हैरान कर दिया है। और इतना ही नहीं, खेती को एक नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए दोनों ने मिलकर अपने एक फार्म की भी शुरुआत की है, जिसका मैनेजमेंट इतना बेहतरीन है कि खुद IAS अधिकारी भी स्टडी के लिए इनके फार्म पर आते हैं। खबर की माने तो ये किसान दंपत्ति जयपुर जिले के जोबनेर तहसील के कालक गांव में रहते हैं और यहीं उन्होंने मॉडर्न खेती का मॉडल तैयार किया है, जिसकी तारीफ आज हर जगह हो रही है। आपको बता दें कि साल 2016 में गंगाराम की सरकारी टीचर ग्रेड 3 में नौकरी लग रही थी, लेकिन पत्नी के साथ फार्म को संभालने के लिए उन्होंने नौकरी को ठुकरा दिया था। इसके बाद दोनों ने मॉडर्न तकनीक से खेती को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए दिन रात एक कर दिए। इनके फार्म में स्ट्रॉबेरी से लेकर ब्रोकली और जापान के बागची और लेट्यूस समेत कई विदेशी सब्जियों की पैदावार होती है। बता दें कि सेपट दंपति मॉडर्न फार्म पर खुले में स्ट्रॉबेरी की खेती करके साल में 3 बार फसल ले रहे हैं। इससे न सिर्फ उन्हें मुनाफा हो रहा बल्कि वो अपनी खेती से लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। वो आए दिन खेती में नए नए प्रयास करते नजर आते हैं। अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने पॉली हाउस के कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में विदेशी खरबूजे को पहली बार लगाने का प्रयोग किया था, जिसमें उन्हें सफलता हासिल हुई है। और इतना ही नहीं, खास बात तो ये है कि वो सारी फसलों को मिलाकर हर साल 30 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई कर लेते हैं। बेमौसम बरसात के कारण इस साल मसालों के उत्पादन में काफी कमी आने की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं बीते कुछ समय से मसालों के दामों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुंबई के लालबाग मसाला बाजार के व्यापारियों की माने तो पिछले साल नवंबर से दिसंबर के दौरान हुई बेमौसम बारिश ने मिर्च समेत अन्य मसाला फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से इस साल खराब फसल के कारण मसालों के दाम 25-30% तक बढ़ गए हैं। अफसोस की बात तो यह है कि पिछले साल नवंबर दिसंबर के वक्त जैसे ही किसान फसलों को काटने की तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान बारिश ने उनके किए कराए पर पानी फेर दिया। इसमें सबसे ज्यादा लाल मिर्च की फसल को नुकसान पहुंचा था, क्योंकि बारिश की वजह से लाल मिर्च के अंदर का हिस्सा काला हो गया था। ऐसे में किसानों के पास खराब हुई फसल को फेंकने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं बचा। ऐसे ही कुछ बाकी के मसालों के साथ भी हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मसालों की आपूर्ति में तेजी से कमी दर्ज की गई है और बाजार में मसालों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली। एक खबर की माने तो जहां पहले कश्मीरी
काली मिर्च के दाम 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति किलो थे, तो वहीं अब ये 700 के पार पहुंच चुके हैं। जबकि सूखी मिर्च का भाव पहले 200 रुपए था, जो कि अब दोगुना होकर 400 हो गया है। इसके अलावा मालवानी मसाला 500 से 800 रुपए हो गया है, तो वहीं धनिये का भाव 550 से 750 रुपए हो गया है। इसी तरह अन्य मसालों के दामों में भी काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। और जरूरी बात तो ये है कि अभी हाल फिलहाल में इनकी कीमतों में गिरावट आने के आसार भी नहीं है। जब तक दूसरी फसल नहीं आती है, तब तक बाजार में इन मसालों की कीमतें इसी तरह बने रहने का अनुमान जताया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण क्षेत्रों की आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। अभी हाल ही में बुधवार को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने बुधवार को पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए एक खास तरह के कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसे जीवा कार्यक्रम का नाम दिया गया है। इसके तहत नाबार्ड के 11 राज्यों में चल रहे वाटरशेड और आदिवासी विकास से जुड़े कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। बता दें कि नाबार्ड के चेयरमैन जीआर चिंताला ने योजना शुरू किए जाने के मौके पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में कहा कि जीवा का उद्देश्य टिकाऊ आधार पर पारिस्थितिकी अनुकूल कृषि के सिद्धांतों को सुनिश्चित करना है। करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग के क्षेत्र में नई सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि NDRI में 2 क्लोन बछड़ों का उत्पादन किया गया है, जिनमें अधिक मात्रा में दूध देने की आनुवंशिक क्षमता है। इस बारे में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इससे देश में न सिर्फ दुग्ध उत्पादन दोगुना होगा, बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि क्लोन पशु के वीर्य से पैदा होने वाली भैंसों में दूध उत्पादन सामान्य भैंसों की तुलना में ज्यादा होता है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ये तकनीक किसानों तक पहुंचाई जाएगी। बिहार के खरारी, बागरेन, खानखेड़ा के पान की खेती को कोहरे और पाले ने हाल ही में खासा नुकसान पहुंचाया है। बता दें कि पान की 90% की फसल पर पाले की मार पड़ी है। हर 2-4 साल बाद पाले के कारण फसल को नुकसान हो जाता है। इससे पान की खेती करने वाले किसानों में चिंता काफी बढ़ गई है। तेज सर्दी, कोहरे और पाले के कारण पान के पत्ते खराब हो गए हैं। हालात ये हो चले हैं कि खराब हुए पत्तों को किसान फेंकने के लिए मजबूर हैं। पान उत्पादक किसानों का दावा है कि फसल नष्ट होने से उन्हें करीब 10 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।